नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही इस खास अवसर पर महाकाल मंदिर और पूरे महाकाल को फूलों से सजाया गया है। साथ ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बता दें कि महाकाल लोक में 108 विशाल स्तंभ बनाए गए हैं। इन पर महादेव, पार्वती समेत उनके पूरे परिवार के चित्र भी बनाए गए हैं। ये चित्र देखने में बिल्कुल मूर्तियों की तरह ही हैं, जिनमें शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की लीलाओं का वर्णन किया गया है। महाकाल की ये नगरी अध्यात्म और आधुनिकता का मिश्रण होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। बोर्ड के अलग अलग पदों पर चुनाव होना है, जिसके बाद आज नामांकन किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि नतीजे निर्विरोध ही निकल जाएंगे। दरअसल 1983 वर्ल्ड कप की विजेता टीम के सदस्य रहे रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन सकते हैं। यानी सौरव गांगुली का बतौर बोर्ड अध्यक्ष अब सफर खत्म होने जा रहा है। सौरव गांगुली ने साल 2019 में यह पद संभाला था। बीसीसीआई के पूर्व अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष होंगे। अगली खबर कुशीनगर से है, जहां एक मेडिकल स्टोर संचालक की दबंगई सामने आई है। बता दें कि मेडिकल स्टोर संचालक ने ट्रेनिंग फार्मासिस्ट से जमकर मारपीट की है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद ट्रेनिंग फार्मासिस्टों ने सीएससी गेट पर धरना प्रदर्शन किया। मेडिकल स्टोर संचालक सहित मारपीट में शामिल लोगों पर सीएससी प्रभारी ने कार्रवाई करने की आश्वासन दिए हैं। आश्वासन के बाद ट्रेनिंग फार्मासिस्टों ने धरना समाप्त किया है। ये पूरा मामला कुशीनगर के कप्तानगंज सीएससी परिसर का बताया जा रहा है। खबर बलरामपुर से है, जहां नेशनल हाईवे 730 को खोल दिया गया है। बता दें कि सिर्फ अब बड़ी गाड़ियों को जाने की इजाजत दी गई है। दरअसल राप्ती नदी 132 सेंटीमीटर ऊपर खतरे के निशान से बह रही है। तराई सहित शहरी इलाकों में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। अगली खबर लक्सर से है, जहां बीते 17 सितंबर को हरिद्वार जेल से एक आरोपी को पुलिस अभिरक्षा से न्यायालय के समक्ष तारीख पर लाया गया था, जहां पहुंचकर शातिर आरोपी पुलिस कर्मचारियों को धक्का देकर के फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाके को ड्रोन कैमरों से भी खंगाला था, लेकिन पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी थी। लेकिन बीती रात पुलिस को आखिरकार कामयाबी मिल ही गई और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सितंबर में मधु जो है जिला जेल हरिद्वार से तारीख आया था यहाँ पर, और यहाँ तारीख के बाद जब उसको वापस ले जाने के लिए गाड़ी पे ले आ रहे थे, तो वहाँ से वो हाथ छुड़ा के भाग गया था। तो इसको जो है काफ़ी मुंगरी कर लगी थी इसके पीछे, तो आज इसको अंडर ब्रिज जो है, ये क्या नाम नोरोजपुर के शहर पकड़ा गया है। इसके सामने कार्रवाई की जा रही है, और इसके साथ एक अन्य जो उसको भगा के जिसके सहयोग से भागा था, उसको भी इसमें नामजद किया गया है। नीटू को भी इसमें नामजद कर दिया गया। खबर दिनेशपुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दिनेशपुर में विभिन्न कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान निबंध प्रतियोगिता, स्वच्छता के बारे में विचार विमर्श किया गया। साथ ही बालिका इंटर कॉलेज दिनेशपुर के प्रधानाचार्य सुनीता कश्यप ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय परिसर में बच्चों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत की गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता के ऊपर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को स्वावलंबी होने के लिए कई बातें कार्यक्रम के माध्यम से रखी गई हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों ने इस पर स्लोगन लिखे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर निबंध लिखे हैं,
और महिला सशक्तिकरण पर भी उन्होंने निबंध प्रतियोगिता हमने कराई है आज, जिसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छा पेंटिंग भी करी है, पेंटिंग का भी आज है। और स्वच्छता के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से इसको ध्यान रखते हुए बच्चों को सैनिटरी पैड बांटे गए हैं, जिससे कि बच्चे स्वच्छ रहेंगे, इससे विद्यालय का भी स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे विद्यालय में भी, और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे पढ़ लिख कर। अगली खबर गदरपुर से है, जहां वैकेनिया गांव में आज रेखा आर्य ने 4,09,00,000 रुपए की कीमत से 60 बेड के छात्रावास का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि सकेनिया गांव में आज 60 बेड के छात्रावास का निर्माण किया गया है, जो कि कबड्डी के खेलने वाले बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगा। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, वहीं स्वच्छता हमारा अधिकार थीम के तहत राज्य भर के अनेक कार्यक्रम किए गए हैं। रेखा आर्य ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा TA4 नहीं बांटे जाने पर बोलते हुए कहा है कि उन्हें इस बात का संज्ञान नहीं था कि जिले में 3 महीने से टेक होम राशन नहीं दिया जा रहा है, जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बांटा जाता है, इसे गंभीरता से लिया जाएगा। खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस द्वारा संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों से सचेत होने और साथ ही स्थानीय पुलिस और LIU को उनकी जानकारी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके संबंध में सहारनपुर के SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा जानकारी दी गई है कि जी, इस समय पुलिस द्वारा एहतियात बरता जा रहा है और सतर्कता बरती जा रही है। जो भी लोग यहाँ के निवासी हैं और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके बारे में लोगों को सचेत किया जा रहा है, और जो हमारे स्थानीय पुलिस और LIU की टीम है वो भी इन लोगों के बारे में सूचना संकलन कर रही है। साथ ही जो लोग बाहर से आकर जनपद में रुके हैं और संदिग्ध गतिविधियों में हैं, कोई आपराधिक गतिविधि में है या सामाजिक गतिविधियों में है, तो उनकी भी जानकारी साझा की जा रही है। लगातार पुलिस द्वारा पैदल गश्त और भ्रमण किया जा रहा है। जो होटल, सराय, रेस्टोरेंट, ढाबे इत्यादि के मालिक हैं, उनसे हमने निर्देश पारित किया है कि वो लोग भी अपने यहाँ सतर्कता बरतें, CCTV कैमरा लगवाएं और रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर रखें, जिसमें जो भी लोग होटल, सराय इत्यादि में रुकते हैं उनकी ID रखी जाए, और इन सभी को समय समय पर चेक किया जा रहा है। साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, पार्षद हैं, हमारे चौकीदार हैं, उन लोगों की भी मीटिंग करके उनसे हमने मदद का आह्वान किया है, और कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति कहीं नजर आता है तो मेरे जनपद वासियों से भी अपील है कि तत्काल 112 नंबर पर डायल कर उसकी सूचना 112 नंबर को दें या स्थानीय पुलिस को दें। अगली खबर हरदोई से है, जहां लगातार हो रही बरसात की वजह से सड़कों में बने गड्ढों और जलभराव से लोग परेशान हैं। सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया था, लेकिन सड़कों की ये बदहाल स्थिति बता रही है कि सरकार के वादे फेल होते नजर आ रहे हैं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सांसद जगदम्बिका पाल ने SO त्रिलोकपुर को फटकार लगाई है। दरअसल सांसद जमीन पर पानी के बीच दौरा कर रहे थे, वहीं SO त्रिलोकपुर विद्याधर कुशवाहा ट्रैक्टर पर बैठकर आराम फरमा रहे थे। बता दें कि SO का जूता न भीगे इसलिए ट्रैक्टर पर वो बैठ रहे, जिसके बाद सांसद ने जमकर उनको फटकार लगाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।